देखना है कि वो सही पर सही जगह आता है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन जहाँ से फ्लाई किया था वहाँ पे आ चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और गाइस मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे DJI Mini 3 Pro का रिटर्न टू होम टेस्ट रहेगा, बट ये थोड़ा दूसरा टाइप का रहेगा। इससे पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा रिटर्न टू होम, ठीक है। इसमें क्या होगा गाइस, इसमें हम लोग ड्रोन को दूर भेजेंगे और रिमोट को ऑफ कर देंगे और फिर देखना है कि जहाँ से ड्रोन फ्लाई करता है वहाँ पर वापस आता है या नहीं आता है, ये हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखना है गाइस इस टेस्ट में ड्रोन कैसे वर्क करता है। तो चलिए, हमारा रिमोट कंट्रोल ऑन हो चुका है और हमारा ड्रोन भी आप देख रहे हैं कि ऑन है। तो टेक ऑफ करने के लिए हम लोग टेक ऑफ करते हैं पहले। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा ड्रोन टेक ऑफ हो चुका है। अब हम लोग इसको भेजेंगे थोड़ा दूर में। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। गाइस अब देख सकते हैं हमारा ड्रोन वो रहा, थोड़ा इसको हाइट में ले लेते हैं। वो रहा ड्रोन, आपको दिख रहा होगा। कुछ दूर हम लोग इसको भेज देते हैं गाइस पहले। तो आप देख सकते हैं गाइस, ड्रोन हम लोग को दिखने रहा है, ठीक है। ड्रोन थोड़ा बहुत दूर जा चुका है। रिमोट में आप व्यू देख सकते हैं कि हमारा ड्रोन कहाँ है, लेकिन हम लोग कुछ अभी और दूर भेजेंगे इसको पहले, थोड़ा हाइट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं रिमोट में आपको दिख रहा होगा, हाइट अभी 58 मीटर है और डिस्टेंस 121 मीटर है। तो गाइस इसको हम लोग थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ाएंगे, कम से कम डिस्टेंस थोड़ा और आगे देते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस में 160 क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं ड्रोन हमारा लगभग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 58 मीटर हाइट है और 202 मीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। ड्रोन कहाँ पे है आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं रिमोट को ऑफ। तो गाइस देख सकते हैं मैं रिमोट को ऑफ करने जा रहा हूँ और देखना है कि उसके बाद ड्रोन हमारा जहाँ से फ्लाई हुआ था वहाँ पर आता है या नहीं आता है। तो वीडियो में रहिएगा, चलिए देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा रिमोट हो गया है ऑफ, पूरी तरह से हमारा रिमोट हो गया है ऑफ। अब देखना है कि हमारा ड्रोन जहाँ से फ्लाई किया था वहाँ पर ड्रोन आता है या नहीं आता है। तो हम लोग ड्रोन को भी चेक करते हैं कहाँ पे है। ड्रोन हमारा आता हुआ दिख रहा होगा इस आप लोग का वीडियो में, छोटा सा धीरे से दिख रहा होगा, देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको, ठीक है। हमारा ड्रोन लगभग ऊपर हमारे ऊपर ही है, ठीक है। ड्रोन तो आ ही रहा है, देखते हैं कहाँ है, कहाँ वो आता है कि नहीं टाइम पे। देख सकते हैं गाइस आप, रिमोट पूरा ऑफ है, ठीक है। रिमोट का कुछ बटन वटन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिमोट हमने ऑफ कर दिया। ड्रोन अभी हमारे जस्ट हमारे सर के ऊपर ही है, होप सो आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में। बने रहिए वीडियो में। और हमारा ड्रोन हमारे पास एकदम पहुंच ही रहा है, आप देख सकते हैं वो आ गया है। ये रहा हमारा ड्रोन, देखना है कि वो सही पर सही जगह आता है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन जहां से फ्लाई किया था वहां पे आ चुका है। तो गाइस आपने मेरे इस वीडियो में देखा कि गाइस रिमोट ऑफ था, यानी कि हम लोग ड्रोन को कहीं भेज देते हैं और रिमोट गलती से बाई चांस ऑफ हो जाता है, या फिर बैटरी नहीं होता है, या फिर बैटरी नहीं होने के कारण भी ऑफ हो जाता है। तो ड्रोन घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, घबराने की ज़रूरत ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये इसका ऐसा फीचर है कि रिमोट ऑफ रहेगा तो भी वो वापस आ जाएगा अपने रिटर्न टू होम
जहाँ से वो फ्लाई किया था वहीं पर वापस आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, होप से वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।